हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बच्चों अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, आई होप आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया सेक्शन 3 का। हम आज करेंगे स्टार्ट टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं क्लास म्यूजिक के उस पार। हाँ जी बच्चों, तो टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो बच्चों, हमने देखा था प्रीवियस सेक्शन में कि किस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है काफ़ी जगह पर वॉयलेंट हो गया था। तो आपको पता होगा बच्चों कि महात्मा गांधी जी जो थे वो नहीं चाहते थे कि हम कोई भी मूवमेंट करें वो वॉयलेंट हो, राइट? तो हमने देखा था किस तरीके से अवध में भी, और जो हमने प्लांटेशन स्वराज में देखा आसाम में, उसमें भी हमने देखा कि जो एट द एंड जो भी इस चीज़ का हो रहा था वो क्या हो रहा था कि वॉयलेंट हो रहा था, राइट? तो वॉयलेंस नहीं चाहते थे गांधी जी। तो हुआ क्या, 1922 फरवरी में महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो विथड्रॉ कर ले। उसका रीजन क्या था बच्चों? क्योंकि वो चाहते थे कि अभी हमारे जो लोग हैं सत्याग्रहीज हैं वो प्रिपेयर नहीं है मास स्ट्रगल के लिए। उनको मास स्ट्रगल करने के लिए, प्रिपेयर कराने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो जरूरी है ताकि ये जो मूवमेंट है वॉयलेंट ना हो कभी भी, क्योंकि उनकी पॉलिसीज क्या थी, नॉन वॉयलेंस, है ना। तो वो चाहते थे कि अभी ये रोक दिया जाए और आगे एक ऐसा मूवमेंट लाया जाए जिससे कुछ अच्छा हो और वॉयलेंट ना हो वो, ठीक है। तो अब हुआ क्या, इसके बाद जो कांग्रेस लीडर्स हैं, कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस लीडर्स थे बच्चों, वो भी थक चुके थे मास स्ट्रगल करते हुए। अब वो चाह रहे थे कि वो पार्टिसिपेट करें इलेक्शंस में, जो कि प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शंस होने वाले थे और जो कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर होने वाले थे, जो सेटअप हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर। ओके, तो अब हुआ क्या कि एक्चुअली जो ये इलेक्शंस हैं ये होने वाले थे, वो चाहते थे कि हम अगर ये जो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ये ऐसे कुछ लीडर्स थे, वो ये चाहते थे कि अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शंस में तो हम जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज हैं उसको अपोज कर पाएंगे, राइट? जो भी वो लोग कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी नहीं है, राइट? ये हम उनको कह पाएंगे, बता पाएंगे, अपनी बातें जो है वो रख पाएंगे कि ये ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, जो आप लोग कर रहे हो, जो पॉलिसीज आप लोग बना रहे हो वो सही नहीं है, राइट? तो फिर हुआ क्या कि कुछ कांग्रेस लीडर्स पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपसिया दास और मोतीलाल नेहरू, उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, ठीक है। काउंसिल पॉलिटिक्स में आकर आर्ग्यू करने के लिए इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई, राइट? लेकिन जो कुछ यंगर लीडर्स थे बच्चों, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, अब ये कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि अब इंडिया को फुल इंडिपेंडेंस मिले, बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर उतर चुका है, अब हमें कोई भी जो लॉलीपॉप दे रहा है, जो ब्रिटिशर्स हमें हमारे साथ कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, हमें मनाने की जो भी कोशिशें की जा रही है, जो गोलमाल किया जा रहा है, वो अब हमें मंजूर नहीं होगा। यंग लीडर्स चाहते थे कि हमें अब पूरी आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, राइट? अब हुआ क्या, इसका जो प्रभाव पड़ा, इसका जो इफेक्ट पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा बच्चों एग्रीकल्चर पर, राइट? हमारे जो पीजेंट्स थे उन पर इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ इन चीज़ों का। 1930 तक की बात करें तो एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा गिरने लगे, डिमांड जो है वो गिर गई, एक्सपोर्ट भी बिल्कुल ख़त्म सा होने लगा और जो पीजेंट्स थे वो रिवेन्यू बिल्कुल भी पे नहीं कर पा रहे थे और जो उनका हार्वेस्ट था वो उनको उसको सेल नहीं कर पा रहे थे, राइट? अब इसका नतीजा क्या हुआ, 1930 में जो रूरल एरियाज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया, वहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंसेस हो गई, वहाँ पे एक टर्मोइल आ गया, राइट? इन सब का ये नतीजा हुआ। साथ ही साथ बच्चों इसी के साथ एक स्टोरी चल रही है ब्रिटेन में, ओके, ब्रिटेन में साइड बाय साइड न्यू टॉरी गवर्नमेंट ने एक स्टैट्यूटरी कमीशन जो है वो सेटअप की, ओके,
इसके जो लीडर थे अंडर सर जॉन साइमन, आपने साइमन नाम जरूर सुना होगा, आपने एक स्लोगन जरूर सुना होगा, गो बैक साइमन, राइट। ये यहीं से आया बच्चों। इस समय में ब्रिटेन में ये कमीशन जो है वो बनाई गई कि ये कमीशन इंडिया जाएगी और जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग को देखेगी और वहाँ पे क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है उसको देखा जाएगा, राइट। अब हुआ क्या कि जब साइमन कमीशन इंडिया आई 1928 में, तो ये स्लोगन उनके लिए कहा गया, गो बैक साइमन गो बैक। ओके, अब हुआ क्या, जब इन्होंने देखा कि भाई ये जो वाइसरॉय लॉर्ड इरविन थे, इन्होंने देखा कि भाई ये गो बैक साइमन और ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम लीग थी और जो कांग्रेस पार्टी थी, इन सब ने, काफ़ी सारी पार्टीज़ ने, बहुत सारे लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया गो बैक साइमन वाला, राइट। तो वाइसरॉय लॉर्ड इरविन जो थे, उनका विश्वास जीतने के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट की अक्टूबर 1929 में कि हम लोग बैठकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, इंडिया का आगे का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा उसको डिस्कस करेंगे। और ये एक बड़ा ही वेग सा ऑफर उन्होंने दिया इंडिया को कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। ये बड़ा ही गोलमाल सा ऑफर था, जो यंग लीडर्स थे उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था इन चीज़ों पर, क्योंकि उन्होंने कहा भी नहीं था, जो ये लॉर्ड इरविन थे इन्होंने बस ये एक गोलमाल सी बात जो है वो कह दी थी बहकाने के लिए इंडियंस को, उस समय के लिए चुप कराने के लिए। लेकिन ये भी नहीं कहा गया कि ये जो डोमिनियन स्टेटस होगा कब तक होगा, कितने समय तक होगा, कुछ भी इन्होंने ऐसा डिक्लेयर नहीं किया था। बस यहाँ पे क्या कहा गया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, डिस्कस किया जाएगा फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बट इंडियंस बिल्कुल भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अब वो क्या चाहते थे, अब वो चाहते थे फुल इंडिपेंडेंस, पूरी आज़ादी, पूर्ण स्वराज। ओके, अब दिसंबर 1929 लाहौर कांग्रेस में फॉर्मलाइज किया गया कि पूर्ण स्वराज होगा। ओके, इसका जो नतीजा हुआ वो क्या हुआ कि 26 जनवरी 1930 को बच्चों डिक्लेयर किया गया कि ये दिन जो है इसको एज अ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा आगे आने वाले समय में, जब लोगों ने प्लेज ली कि हम लोग आज लड़ेंगे, आज के बाद जब हम लड़ेंगे तो पूर्ण स्वराज के लिए लड़ेंगे, फुल इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे, राइट बच्चों। तो ये आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बच्चों कहानी स्टार्ट होगी सॉल्ट लॉ की, ठीक है, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप चाहो तो नोटबुक लेकर बैठो बच्चों, इसको आप अपने हाथ से जब लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। हाँ जी बच्चों, तो आइए आगे देखते हैं टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सॉल्ट मार्च। तो बच्चों क्या था कि गांधी जी चाहते थे कि एक ऐसा मूवमेंट हो जिसमें देश के सभी लोग यूनाइट होकर कुछ ऐसा करें कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया को छोड़ जाए, है ना। तो उन्होंने क्या समझा, क्या सोचा, उन्होंने सबसे पहले देखा बच्चों कि सॉल्ट, नमक, एक ऐसी चीज़ है जो अमीर से अमीर लोग, रिच से रिच इंसान, पुअर से पुअर लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं, राइट। आप सभी लोग यूज़ करते हो, राइट। अब सॉल्ट उन्होंने देखा कि एक ऐसा पावरफुल सिंबल है जिससे पूरा हिंदुस्तान जो है वो यूनाइट हो सकता है, सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं, राइट। अब 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वाइसरॉय इरविन को एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स जो है वो रखी थी, ठीक है। ये डिमांड्स कुछ जनरल इंटरेस्ट की थी, कुछ पर्टिकुलर क्लासेस के लिए थी, लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी थी, पीजेंट्स के लिए भी थी, यानी कि सोसाइटी की हर क्लास के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ सोचकर रखा था और उन 11 डिमांड्स में लिखा था। ओके, अब उनमें से एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड थी बच्चों, जो कि
पूरे इंडिया को यूनाइट कर सकती थी वो क्या थी, सॉल्ट। ओके, सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट जो कि गवर्नमेंट की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, मोनोपोली थी कि सॉल्ट लॉ, सॉल्ट को वो मैन्युफैक्चर करेंगे और टैक्स इम्पोज करेंगे उस पर, तो उसके अगेंस्ट गांधी जी ने सोचा कि अगर मैं एक मूवमेंट लाऊं इस तरीके से, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे सभी लोग जुड़े रहें, तो उन्होंने ये डिमांड जो है वो की कि ये जो सॉल्ट टैक्स है उसको हटाया जाए, एबॉलिश किया जाए। ओके, तो बच्चों सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग हिज 11 डिमांड्स। ओके, डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। ओके, अब बच्चों क्या था कि ये एक अल्टीमेटम था किसके लिए, जो ये लॉर्ड इरविन है उनके लिए, कि अगर ये डिमांड्स 11 मार्च तक पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो शुरू कर देगी। ओके, लॉन्च कर देगी। तो ये एक अल्टीमेटम था। अब इस अल्टीमेटम के बाद भी लॉर्ड इरविन जो है वो नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं थे, वो मानने को कुछ भी तैयार नहीं थे, वो 11 डिमांड्स को पूरा करने के लिए तैयार नहीं थे। तो महात्मा गांधी जी ने जैसा कि कहा था वैसा ही किया, उन्होंने स्टार्ट किया सॉल्ट मार्च। अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने ये यात्रा शुरू की जिसको हम दांडी यात्रा भी कहते हैं, आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा। ओके, तो ये दांडी मार्च था बच्चों। अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ महात्मा गांधी जी जो है वो पैदल चलने लगे। कहाँ से चलने लगे? साबरमती आश्रम जो था उनका, वहाँ से वो गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक पैदल चलने लगे। और ये लोग, ये जो वॉलंटियर्स थे, ये पीछे पीछे गांधी जी के चलते थे और जगह जगह गांधी जी रुक कर अपना भाषण जो है वो देते थे, स्पीच देते थे। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा लोग उनको देखने के लिए, सुनने के लिए आते थे और बहुत ज्यादा इंस्पायर होते थे। ओके, अब आफ्टर 24 डेज चलने के बाद 10 माइल रोज चलते थे वो लोग, अप्रोक्सीमेटली 240 माइल्स चले वो लोग, और 24 डेज तक, राइट, एवरी डे 10 माइल्स चलकर वो दांडी पहुंचे। कब? 6th of April। वहाँ पर उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा, कानून जो है वो तोड़ा। उन्होंने कहा कि अब वो टैक्स नहीं देंगे और सॉल्ट बनाया बाय बॉइलिंग सी वाटर। जैसा कि आपको पता होगा कि दांडी जो है वो टाउन है, कोस्टल टाउन है, तो वहाँ के कोस्टल एरिया में उन्होंने सी वाटर को लिया और बॉइल कर नमक मैन्युफैक्चर किया, सॉल्ट बनाया। ओके, तो बच्चों इसी के साथ शुरू हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एनसीएम से कहीं ज़्यादा था। एनसीएम में तो सिर्फ वो जो लोग हैं वो ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स की जो पॉलिसी है, जो लॉज हैं, उनको भी बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, राइट। अब बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा, सॉल्ट बनाया, मैन्युफैक्चर किया, गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के आगे डेमोन्स्ट्रेशंस किए। ओके, अब पीजेंट्स ने कहा कि वो रेवेन्यू नहीं देंगे, टैक्सेस नहीं देंगे। फॉरेन क्लोथ को, जैसा हमने देखा था पहले भी, बायकॉट किया गया। लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। विलेज ऑफिशियल्स ने भी रिजाइन कर दिया, राइट। और फॉरेस्ट के जो लॉज थे वो भी फॉरेस्ट के लोगों ने तोड़ने शुरू किए। वहाँ पे उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट में उन्होंने एंटर किया, वहाँ पे अपनी जो कैटल्स थी उसको ग्रेजिंग के लिए वो लेकर गए, राइट। तो इन्होंने ये सारे कानून हर जगह पर, देश के कोने कोने में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की न्यूज़ जो है वो स्प्रेड हो गई और लोगों ने अपना इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया, बदला लिया, राइट। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट इससे डरी हुई, क्या करने लगी? बहुत ज़्यादा ब्रूटल रिप्रेशन के साथ रिस्पॉन्ड करने लगी, राइट। कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है वो अरेस्ट करने लगी कांग्रेस लीडर्स को। अब
अब्दुल गफर खान, एक जो डिसिपल थे गांधी जी के, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से उनको मानने वाले, उसको भी अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया गया और एक महीने बाद गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। और जब ये अब्दुल गफर खान को अरेस्ट किया गया तो पेशावर में बच्चों लोग जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करने लगे, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। ओके, अब एक महीने बाद जब गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया, विमेन चिल्ड्रन को मारा गया, सत्याग्रही पर अटैक किए गए और ये डरी हुई गवर्नमेंट जो है वो बहुत बुरा बर्ताव करने लगी। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, अप्रॉक्सीमेटली 1,00,000 लोगों को अरेस्ट किया गया। राइट, तो आई होप ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। बच्चों हिस्ट्री वैसे सुनने में लगता है कि बहुत बोरिंग है बच्चों, लेकिन ये जो इंडियन हिस्ट्री है ये मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगता है पढ़ने में, तो आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो बच्चों अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा है, आपको ये पॉइंट्स याद होने लगे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट बच्चों ज़रूर ले लेना इसका। ओके, तो मिलेंगे जल्दी ही फिर आगे की स्टोरी के साथ कि कैसे आगे गांधी जी ने रिस्पॉन्ड किया था। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।